गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मुझे ये डिस्कस करना होगा कि थिन यूनिफॉर्म रॉड क्या है, इसके बाद मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा। वो निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने 5 स्टेप्स के बारे में बात किया था। कोई भी कैसी भी अगर आपके पास में बॉडी है, बस यूनिफॉर्म होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, होमोजीनियस का मतलब जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह पे सेम होना चाहिए। तो आप निकाल सकते हैं, 5 स्टेप आपको याद रखने हैं। आज फिर हम लोग रिपीट करेंगे तो आपको और पक्का हो जाएगा। बाकी यूनिफॉर्म थिन रॉड क्या है, यूनिफॉर्म तो मैंने समझा दिया कि भैया एक जैसी है, ठीक है। अब थिन रॉड का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए थिन रॉड का कॉन्सेप्ट सिंपल सा पतली रॉड से है, यानी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कंपेरेटिवली क्या होगा, कम होगा, लंबाई ज्यादा होगी। मैं यहां पे ऐसे कर सकता हूं कि मान लीजिए मैंने ये एक रॉड ले ली और दूसरी रॉड सपोज ये ले ली, दूसरी रॉड क्या ले ली मैंने, सपोज ये ले ली। तो अब इन दोनों रॉड को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो नीचे वाली थिक है और ऊपर वाली कैसी है, थिन है। तो मुझे ऊपर जैसी रॉड चाहिए, थिन रॉड चाहिए, पतली रॉड चाहिए, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कंपैरेटिवली काफी कम है। अब इस फिगर के ऊपर ही हम लोग पहले कुछ शेयर करते हैं, कुछ चीजें बताते हैं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रॉड की जो टोटल लेंथ है वो हम लोगों ने एल कंसीडर कर रखी है। कितनी कंसीडर कर रखी है, एल, और एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर पे ले रखा है। ठीक, रॉड के परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन, रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और सेंटर में है यानी मिड पॉइंट में है। मिड पॉइंट में है तो एल वाई टू लेंथ एक तरफ हो गई, एल वाई टू लेंथ एक तरफ हो गई, और टोटल मास जो है वो क्या है, कैपिटल एम है। डियर स्टूडेंट्स, अब 5 स्टेप जो मैंने कल बताए थे उनके बेसिस पे हम जरा काम करते हैं। सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ। अब इसमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट तो ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास क्या है, थिन रॉड है, तो लेंथ का ही लेना है, दैट इज एम बाई एल। M is a total mass and length is a total length. तो जो मेरा unit length है, अब unit length का concept क्या है? भैया अगर CGS ले रहे हो तो 1 cm, अगर आप SI ले रहे हो तो unit length का मतलब 1 meter. तो dear students, हम SI लेते हैं तो ऐसे मान लीजिए कि जो 1 meter की rod है उसका mass हो गया capital M by L. Consider a small mass element of length dx. अब हमने अपने पर्पस के लिए यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया और इस एलिमेंट की लेंथ है कितना, dx। जब एलिमेंट की लेंथ dx है तो इसका जो मास होगा वो होगा m by l into dx। यूनिटरी सिस्टम हम लोगों ने लगाया है, 12 रुपए के 12 केले, 1 रुपए का 1 केला, 4 रुपए के 4 केले। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, इस छोटे से पार्ट का मास m by l into dx। तो पहला स्टेप मेरा हो गया, दूसरा स्टेप मेरा हो गया, अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में मेरे को डालना है जनरली आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, दैट इज अ फॉर्मूला। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, क्या है, फॉर्मूला। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एम की जगह पर तो मैं क्या कर रहा हूं, एम बाई एल इंटू डी एक्स डाल रहा हूं, आई की जगह पर क्या डाल रहा हूं, डी आई डाल रहा हूं, आर क्या है, आर मैंने यहां पर कंसिडर कर रखा है इसका क्या, एक्स। गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑर नॉट, बस ये तीनों चीजें डालता हूं। अब चूंकि मैंने di छोटे एलिमेंट dx एलिमेंट का निकाला है, di निकाला है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों स्टेप बता दिए। अब 2 स्टेप तो यहां पे आपके सामने है, तीसरा चौथा स्टेप आगे कैसे सॉल्व करना है ये बात मैं आपको समझाता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर पासिंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं, दैट इज डीआई इक्वल्स टू मास इनटू डीएक्स स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। मास है मेरा छोटे एलिमेंट का एम बाई एल डीएक्स और डिस्टेंस है कितनी, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। अब ये मेरे पास डीएल का, डीआई का कॉन्सेप्ट हो गया। अब डीआई को मेरे को आई में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। अब इंटीग्रेशन में लिमिट्स मेरी क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन में या सेंटर में, पीछे की तरफ लेंथ है l by 2, आगे की तरफ लेंथ है l by 2, तो पीछे की तरफ जो लेंथ है उसको मैंने यहां पे लिख दिया x equals
माइनस का एल बाई टू, और जो आगे की तरफ लेंथ है इसको मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू प्लस का एल बाई टू। नो डाउट जो मेरी लिमिट है वो माइनस एल बाई टू से लेकर के प्लस एल बाई टू तक होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये लिमिट डाल करके मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया। अब ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझता हूं। देखिए आई इक्वल्स टू हम लोगों ने लिखा इंटीग्रेशन डी आई, इंटीग्रेशन में लिमिट डाली माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, डी आई की वैल्यू डाली तो एम बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए यहां पे एम जो है लेंथ के साथ चेंज नहीं हो रहा, कॉन्स्टेंट है लेंथ मेरी एल, टोटल लेंथ कॉन्स्टेंट है, ये दोनों बाहर आ गए बीइंग कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। एक्स जो है वो मेरा इंटीग्रेट हो सकता है विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तो मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेशन के साइन के अंदर लिखा। इसमें एक जनरल फॉर्मूला मेरे पास होता है क्या, एक्स टू पावर एन डी एक्स इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इस फॉर्मूले को यूज करके जो मेरे पास एक्स स्क्वायर था इसका इंटीग्रेशन आ गया एक्स क्यूब ओवर थ्री, दैट इज हियर लिमिट डाल दी, अपर लिमिट प्लस एल बाई टू, लोअर लिमिट माइनस एल बाई टू। लिमिट डालना सब जानते ही हैं, एम अपॉन थ्री एल तो कॉमन आ गया, बाहर आ गया, एम बाई एल पहले से था, थ्री और दोनों में सेम था तो इसलिए ले लिया। अब मैं अपर लिमिट डालता हूं एल अपॉन टू, इसको क्यूब करता हूं बिकॉज ऑफ यहां पे क्यूब था। इसी तरह से लोअर लिमिट डालता हूं माइनस का एल बाई टू, लिमिट थी ओ सॉरी पावर थी थ्री डाल दी, इसको सॉल्व किया एम बाई थ्री एल ये आ गया, ये हो गया एल क्यूब अपॉन एट, ये माइनस का साइन। अब पावर यहां पे कैसी है ऑड है, ऑड है तो ये सॉल्व करने पे माइनस ही आएगा, ये माइनस प्लस माइनस 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 दोनों प्लस, जब दोनों प्लस हो गए तो यहां पे क्या आ गया एल क्यूब ओवर एट एम बाई थ्री एल बाहर वाला, अंदर इन दोनों को एड किया एलसीएम लेकर के तो आप सबको पता है एल क्यूब बाई फोर आ गया। सॉल्व किया तो हमें मिल गया एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। डियर स्टूडेंट्स एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व तो मिल गया, लेकिन कब, जब मेरी रॉड थिन है, लेंथ उसकी एल है, मास उसका एम है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू लेंथ वो भी इसके मिड पॉइंट से जाने वाला है, तब मेरे को मिला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। मैं इस चीज को कुछ ऐसे समझने की कोशिश करूंगा, मान लीजिए मेरे पास ये कोई यूनिफॉर्म थिन रॉड है, इस यूनिफॉर्म थिन रॉड की लेंथ एल है, मास कैपिटल एम है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, सेंटर से पास आउट हो रहा है, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या होगा एम बाई ट्वेल्व एल स्क्वायर होगा, जो हम लोगों ने यहां पर निकाला है। डियर स्टूडेंट्स अब निश्चित रूप से जो हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी है, उनको थोड़ा सा यूज करते हैं। मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन जो यहां सेंटर में था, अगर मैं इसको यहां से एक एंड पे ले जाऊं तो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को कैसे शिफ्ट कर रहा हूं, पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मेरे को इसमें लगानी है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बेसिस पे मैं निश्चित रूप से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं ये जरा हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये रॉड, रॉड का पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन ये जो सेंटर से जाता है, इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। अब वो मेरे से कहता है कि जी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां ले आओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर यहां ले आए तो इसको मैं नया नाम देता हूं सपोज आई डैश, तो आई डैश पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मेरे को मिलेगा एम एल स्क्वायर ओवर ट्वेल्व जो कि यहां पे था, प्लस क्या जल्दी बोलो साथ में था एम एच स्क्वायर, वेयर एम टोटल मास था, एच क्या था जितना हम लोगों ने इसको पैरेलली शिफ्ट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व तो आपके पास है, एम आपके पास है, एच कितना है, एच है एल बाई टू के बराबर, आधी लेंथ के बराबर, तो दैट इज एल स्क्वायर बाई फोर। आप इनको एड करेंगे तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को मिल जाएगा रॉड का किसी एक एंड के अक्रॉस, ध्यान रहे रॉड के परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहां पे है एक एंड पे। अब डियर स्टूडेंट्स एंड आप ये वाला सेलेक्ट कर लो या एंड ये वाला सेलेक्ट कर लो, डजंट मैटर, दोनों केसेस में
आंसर आपका यही होगा। तो इस तरह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये बात भी हम लोगों ने यहां पे सीखी और ये आपके सिलेबस में है। अगर आपसे डेरिवेशन आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो रॉड का ही आएगा, बाकी कोई नहीं आना चाहिए। ये एक अलग बात है कि आपके स्कूल्स में कुछ एडिशनल कराया गया है और वो पूछ लेते हैं तो ठीक है, उसमें भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। रिंग का मैंने करा दिया, डिस्क का आपको असाइनमेंट में दिया था और रॉड का जो सिलेबस में वो आज हमने कर लिया, दोनों केसेस कर लिए, इससे ज्यादा कुछ आने की प्रॉब्लिटी नहीं है। बाकी एक दो जो क्वेश्चन है उनके अंदर कर लेंगे। स्टेप्स वही पांच याद रखने हैं। पहले स्टेप में मास पर यूनिट लेंथ निकालना है, दूसरे स्टेप में स्मॉल एलिमेंट के लिए मास निकालना है, तीसरे स्टेप में आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर जनरल फॉर्मूला पेश करना है, चौथे स्टेप में विद इन लिमिट आपको उसको इंटीग्रेट करना है, पांचवें स्टेप में ये जो काम हमने किया है कि भैया एक्सल रोटेशन हमने सेंटर पे ले रखा था, अब इसको शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगी, वो लगा करके हम लोगों ने पर्टिकुलर रेयर निकाल दिया। तो ये पांच स्टेप है, आई होप सो इससे आप कोई भी निकाल सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। यू मे डन इट। चलिए, एज यूजुअल सबको पता है भैया एक कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमें कितना समझ में आ गया। तो अगेन वी आर गोइंग फॉर एग्जाम्पल नंबर 13। जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे हम लोगों को इस शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देना है। तो डियर स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 13 में कहता है थ्री वॉल्स ऑफ मासेस 1, 2 and 3 किलोग्राम, तीन वॉल है, तीनों का मास अलग अलग है, आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है 1 meter। तो भैया जैसे उसने कहा एक डायग्राम तो बनता है, बना लेते हैं ये लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो लगभग बराबर लंबाई की तीन साइड है, आप लोगों ने बना ली, मास यहाँ पे 1 kilogram है, यहाँ पे 2 kilogram है, यहाँ पे 3 kilogram है। अब कोई बच्चा यहाँ से शुरू कर सकता है, 1, 2, 3 कह सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, बाकी क्लॉकवाइज लेंगे तो गलत नहीं होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए आगे कहता है व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पूछ रहा है, ठीक है जी हम लिख लेते हैं व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन ये भी तो पता लगे कहां से, ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। देखो बच्चों सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है किसी भी ट्रायंगल का सेंटर, यानी कि यहां से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए, और ये आपको साइड दे रखी है, ये भी 1 meter है, ये भी 1 meter है और ये भी 1 meter है, तो सेंट्रोइड तो आपको क्लियर हो गया। अब आगे क्या कहता है परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब देखिए परपेंडिकुलर प्लेन वैसे तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस क्वेश्चन में जरूरत है तो फिर पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ये प्लेन है, अब इसके परपेंडिकुलर ये होगा, गेटिंग द कॉन्सेप्ट। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये मेरे पास ट्रायंगल है, वैसे तो है क्वाड्रिलेटरल लेकिन मान लीजिए ट्रायंगल है थोड़ी देर के लिए। अब इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, अब इस वाले पॉइंट के ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपकी फिगर में वो क्या होगा, वो ये होगा जस्ट लाइक दिस वन, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसमें मास पर यूनिट लेंथ और उन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑफ ये कोई सॉलिड बॉडी नहीं है, एक मास यहां रखा है, एक यहां रखा है, एक यहां रखा है, तीन बॉल है, तो इसमें बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। आप इस पॉइंट के अक्रॉस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसके अक्रॉस इसका निकालो, इसके अक्रॉस इसका निकालो, तीनों को एड कर दो। आप बिल्कुल ऐसे मान लीजिए एक लाइट स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग का मतलब रस्सी, एक लाइट स्ट्रिंग से आपने 2 kilogram का मास लेकर के क्या कर रखा है बच्चों, आपने घुमा रखा है इसको, कैसे घुमा रखा है, ऐसे मान लीजिए कि ये मास है और इसको ऐसे घुमा रहे हो, और जो बीच में रस्सी है ये बीच में रस्सी का मास कितना है, नेग्लिजिबल है, रस्सी तो दी नहीं है उसने, इसका मतलब मास है ही नहीं। तो भैया ये एक रिंग का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, किसका बन जाएगा, रिंग का। आप लोगों को पिछली क्लास में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मैंने इसीलिए सिखाया था कि ज्यादातर क्वेश्चंस रिंग के ही होते हैं आप लोगों के, गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑन। तो भैया एक रिंग तो आपकी बनेगी इस 2 kilogram मास की वजह से, ये दूसरी रिंग आपकी बनेगी 1 kilogram मास की वजह से, ये,
और तीसरी रिंग आपकी बनेगी 3 किलोग्राम मास की वजह से, ये तीनों की रेडियस सेम होगी बिकॉज ऑफ आपका सेंट्रोइड है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। तो तीन जो रिंग है, तीनों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने ऐड कर देना है। मैं यहां पे लिखता हूं जी, क्या लिखता हूं, I3। मैं यहां पे लिखता हूं जी क्या, I2। और मैं यहां पे लिखता हूं जी क्या, I1। सीधे सीधे फॉर्मूला क्या है, mr2 mr2 mr2। अब मास तीनों अलग अलग है, तो एक बार आपको 1 किलोग्राम डालना है, एक बार 2 किलोग्राम डालना है, एक बार 3 किलोग्राम डालना है। रेडियस सबकी सेम है, क्या है, ये वाली है। अब काम क्या रह गया, छठवीं क्लास का काम रह गया कि भैया ये जो आपके पास रेडियस है ये कैसे निकालोगे। इसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे तो आप निकाल ही सकते हैं। देखो क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए यहां पे ये पूरा कर लो। तो देखो बच्चों, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली आर्म जो है वो 1/2 मीटर की हो गई, ये वाला हाइपोटेनियस 1 मीटर का हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बड़े काम की है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। ये क्या आ गया सर, ये आ गया इसका परपेंडिकुलर। अब इस परपेंडिकुलर को 2:1 में क्या कर दोगे डिवाइड। सबको पता है ये जो सेंट्रोइड होता है, ये किसी भी इस परपेंडिकुलर को या मीडियन कह सकते हो, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी 2 पार्ट ये वाला हिस्सा होता है, 1 पार्ट ये वाला हिस्सा होता है। तो जो भी ये परपेंडिकुलर निकल के आएगा उसके 2 पार्ट आपने कंसिडरेशन में लेने हैं एज रेडियस। तीनों केसेस में सेम आएंगे, तीन रिंग बन रही है, तीनों रिंग को आपने क्या करना है, ऐड करना है, आंसर आपके पास होगा। देखो बच्चों, जितना भी मैंने आपको समझाया इसके बेसिस पे अब कैलकुलेशन है, चुटकियों का काम है, बड़े आराम से आप लोग कर लोगे, बड़े होशियार बच्चे हो। हटा देता हूं इसे, किसी को समझना है नहीं कुछ। देखिए हमने यहां पे AD निकाला पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, फिर उसका 2/3 कर दिया A से G तक की वैल्यू लेकर के। अब हम लोगों ने ये सेंट्रोइड यहां पे बता दिया, G इसकी खासियत बता दी, तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। यहां पे AG हमारा AG स्क्वायर कॉमन था, बाहर निकाल दिया, बाकी 1, 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, आंसर आपके पास आ गया। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर के ही एक न्यूमेरिकल हम लोग और डिस्कस करना चाहेंगे, बाकी के न्यूमेरिकल्स आप लोग असाइनमेंट की फॉर्म में घर से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 14। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम जानते ही हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये देखना होता है उसमें क्या दे रखा है, क्या निकालना है। जरा आप देखें, ए व्हील इज रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 1000 आरपीएम। सबसे पहला व्हील समझ में आ जाना चाहिए भैया, ऐसा होता है, गोल गोल होता है व्हील, जानते हो ना, व्हील तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब देखिए, रोटेट तो जानते हो ना, अपनी एक एक्सिस पे घूम रहा है, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए साइकिल जो है वो आपकी खड़ी हुई है स्टैंड पे और पीछे वाला व्हील घूम रहा है, दैट इज रोटेटिंग। रोलिंग नहीं है, रोलिंग अलग कॉन्सेप्ट होता है, रोलिंग का कॉन्सेप्ट अभी बाद में बताएंगे, अभी हम रोटेटिंग का बात कर रहे हैं। तो व्हील जो है वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ये व्हील है जी, ठीक है। क्या है साहब, दैट इज आरपीएम, सब जानते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को मेरे को कन्वर्ट करना होगा किसमें, किसमें बच्चे बोलो, पर सेकंड में। तो कर देता हूं, आरपीएम है मेरा कितना, 1000, एक रिवॉल्यूशन का मतलब 2π पर मिनट, पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 60 से डिवाइड कर दिया। ये कोई नया काम नहीं है, बहुत पहले से करते आ रहे हो आप। अगर देखोगे तो जो फ्रीक्वेंसी है 1000 आरपीएम की, उसको हम लोगों ने आरपीएस में कन्वर्ट किया, RPS में ही लिख दिया, चलो 50/3 RPS में लिख दिया, या आप लोग इसको लिख सकते हो 50/3 into 2π per second। तो ये concept आप लोगों को मिल गया dear students। Even that उसने omega निकाल रखा है, तो 2π new से आप लोगों को ये मिल गया, ये omega निकाल के दे दिया मैंने, आप ऐसे मान लीजिए RPM को omega में कन्वर्ट कर दिया। आगे कहता है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 10^6 joule। काइनेटिक एनर्जी अब रोटेटिंग है, रोटेटिंग है तो काइनेटिक एनर्जी हम पीछे पढ़ के आए, दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, तो हमने आप I ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब क्या करना है, आपने इसमें से ये जो I है इसकी वैल्यू को निकालना है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है हमारा सेंटर, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ मुझे नहीं लगता बचा, आपको 1/2 I ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 10^6 दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू आप कंप्यूट कर चुके हो, लगाओ और आंसर निकाल दो।
हाँ बिल्कुल, जब मैं करता हूं सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं, आप करते हो तो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि जिस समय आप कर रहे होते हो तो आपका जो ध्यान है, दिमाग है, वो कई सारी जगह पे दौड़ रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप घर से करने की एक बार कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो मुझे बताएंगे। आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।